नमस्ते। चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी प्याज और चीज़ के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक बोल लीजिए, इसमें डालिए गेहूं का आटा। अब इसमें डालिए नमक, थोड़ी सी अजवाइन। अब डालिए तेल और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालिए पानी और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। देखिए आटा इस तरह होना चाहिए। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसको चारों तरफ फैलाकर इस आटे को ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। अब लीजिए एक पैन, इसमें डालिए थोड़ा सा तेल। अब इसमें डालिए सौंफ। अब इसमें डालिए बेसन और इसे अच्छी तरह भून लीजिए जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आती और इसका कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता। इसमें करीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक को अच्छी तरह क्रश कर लेंगे और अब इसे डालेंगे पैन में और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हल्के कलर के नहीं हो जाते, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब हम इसमें डालेंगे जीरे का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे अमचूर और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम मिक्सचर को रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ और चीज़ को इस मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे हमारा आटा और इसे थोड़ा गूंद लेंगे। अब हम लेंगे इसकी एक छोटी सी बॉल। और इसे सूखे आटे में रोल करके इसकी एक छोटी रोटी बेल लेंगे। अब हम इसके बीच में डालेंगे हमारा बना हुआ मसाला और इसे हर साइड से पैक कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे वापस रोल करेंगे आटे में और इसे चपाती जैसे बेल लेंगे। अब हम लेंगे एक तवा, इस पे डालेंगे हमारा पराठा और इसे अच्छी तरह दोनों साइड से पलटते हुए और घी लगाकर सेक लेंगे। देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह फूल गया है। तो अब हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। इस मसाले और आटे से आप करीबन 5 से 6 पराठे आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।